तो फिर से मैं टीजीआर एनएन का न्यू इताची का एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बिल्कुल एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीव्यू देख लो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसा ही एडिटिंग बिल्कुल कर पाओगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है बिना स्पीक करे। तो वीडियो कर लेते हैं फटाफट स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले फ्री फायर के अंदर आ जाना है, ट्रेन राउंड को स्टार्ट करके अपने फ्रेंड को कहना कुछ इस पोजीशन में M4A1 से फायर करे, फिर आप उसे रिकॉर्ड कर लेना। और फिर बैक आके अपने प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद डिटच एप्लीकेशन में आ जाना, नीचे आपको रेजर का ऑप्शन देखा, उस पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर को इरेज कर लेना और फिर सेव कर लेना। आप करते हैं एडिटिंग को स्टार्ट और जो भी मटेरियल लगने वाला है वीडियो के अंदर वो सारा कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक से देखना और इस प्रोफाइल को कैपकट में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और एक और यहाँ पे आपको लॉबी वाला क्लिप को ऐड कर लेना, जो मैं आपको मटेरियल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी मैं यूज करूंगा सारा कुछ मटेरियल में आपको जरूर से मिल जाएगा। फिर दोबारा प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ये इताची का रनिंग वाला यहाँ पर क्लिप को ऐड करके वीडियो को जूम कर लेना। और जूम करने के बाद अगर वीडियो को शुरुआत में आना, नीचे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ऐड ओवरले पे क्लिक करना और इताची का ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर ऐड कर लेना। फिर नीचे के साइड में स्क्रॉल करके कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना और इंटेंसिटी को पूरा 100 करके राइट कर देना। और फिर इताची को वहां खड़ा कर देना जहां पे हमारा करेक्टर खड़ा होता है उसी तरीके से। और फिर अगर आगे आना जहां पे कटआउट लगा रखा है ना, तो आपको यहां पर भी एक कटआउट लगाना है और इताची को दोबारा से यहां पे जैसे स्टार्ट वाला लॉबी है ना वहां पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना जैसे मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। फिर जैसे इताची की रनिंग वाली क्लिप स्टार्ट हो रही हो ना वहां पर आना है, उसको थोड़ा सा पीछे जाना और ऐड ओवरले पर क्लिक करके यहां पर एक ब्लैक पेपर को ऐड कर लेना जिस तरीके से मैंने ऐड किया। और फिर अगर इसे पूरी वीडियो में जूम कर लेना, फिर करना है शुरुआत में की फ्रेमिंग लगाना, देन उसके बाद आगे जाना। आगे जाने के बाद जहां तक मैं कटआउट मार रहा हूं यहां पर वहीं पर आपको कटआउट मार के डिलीट कर देना आगे वाला पार्ट। और ये ब्लैक स्क्रीन जहां तक मैंने रखा है ना वो आपको वहीं तक रखना है। फिर अगर ना शुरुआत वाले की फ्रेमिंग में जाना है, जो ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ओपेसिटी को पूरा जीरो कर देना। और फिर एक बीच में की फ्रेमिंग लगाना, ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाना और फिर से ओपेसिटी को पूरा 100 कर देना। और फिर लास्ट में जाकर एक और की फ्रेमिंग लगाना, दोबारा से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओपेसिटी को पूरा जीरो कर देना, ठीक है। फिर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पर एक इमेज दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन मटेरियल के अंदर, वो उसको यहां पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जैसा इताची रनिंग कर रहा है ना वहां पर आना है, ऐड वाले पे क्लिक करके यहां पर जो हमने ट्रेनिंग राउंड वाली क्लिप को रिकॉर्ड किया था ना उसे यहां पर ऐड कर लेना। फिर नीचे के साइड में स्क्रॉल करके ऐड वाले ऑप्शन पे आना, फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पे जिस तरीके से मैं क्रॉप कर रहा हूं एनिमी को उस तरीके से आपको भी क्रॉप कर लेना। और क्रॉप करने के बाद राइट कर देना। फिर नीचे के साइड में दोबारा स्क्रॉल करना है, कटआउट का ऑप्शन देखो उस पर क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एनिमी का जितना भी पीछे का बैकग्राउंड है वो सारा रिमूव हो जाएगा। और फिर हम इस करेक्टर को अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे सामने। एडजस्ट करने से पहले एनिमी जहां से फायर करना स्टार्ट करता है ना तो वहीं से हमें पार्ट चाहिए। तो अगर यहाँ से मेरा करेक्टर फायर कर रहा है, यहाँ कटआउट मार के आगे वाला पार्ट जो भी डिलीट कर दूंगा फिर स्लाइड करके आगे की ओर ले आऊंगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं ला रहा हूँ ना उस तरीके से आपको भी लाना है, ठीक है। और इसको एडजस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका लेयर्स में आएंगे और लेयर्स वन सिलेक्ट करके राइट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो खाली इमेज है ना यहाँ पर आना है और थोड़ा सा इसे ज्यादा पार्ट ही नहीं रखना है। तो क्या करूंगा, मैं इसे कटआउट करूंगा और आगे वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा, ज्यादा सेकंड का नहीं रखूंगा, ओनली एक दो एक डेढ़ सेकंड तक रखूंगा। और फिर अगर आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक और यहाँ पे क्लिप ऐड करनी है, एक नहीं दो क्लिप को ऐड करना है। एक तो जो हमारा ये रेड वाला है, जो भी है रेड वाला जहाँ पर मुक्का मारता है ना एक वो वाला, और एक जब मुक्का मार देता है ना एक दूसरा वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना जरूर। और फिर अगर ना आपको इसको हम अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे अपने एनिमी करेक्टर को, तो इसका बेकार पार्ट क्या करेंगे, जैसे डिलीट कर देंगे। तो कटआउट मारूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इस पार्ट को आपको वहां तक रखना है जो ये रेड रंग का दाना वाला है, जब तक इसने मुक्का ना मारा ना वहां तक रखना है। तो मैंने वहीं तक रखा है, ये जब तक मुक्का ना मारे ना तब तक वहीं तक आपको ये एनिमी करेक्टर को रखना है। और इसे क्या करना है, अपने दाना करेक्टर के सामने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और पीछे कटआउट लग रखा है ना तो वहां पर हम ओवरले के अंदर भी कटआउट लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमने दो क्लिप को अभी ऐड किया ना उन दोनों को जूम कर लेंगे जैसे मैंने जूम किया। और फिर जहां पे हमें कटआउट क्लिप पे लगाया था ना ओवरले पे उस पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर वहीं से आपको एक एनिमी का PNG ऐड करना है जिस तरीके से मैंने ऐड किया वहां पर ऐड कर लेना। और फिर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूं, जहां पर भी एडजस्ट कर रहा हूं ना मैं वहीं पर आपको भी एडजस्ट करना है, ठीक है। और फिर अगर ना इसका जो भी बेकार पार्ट है ना उससे क्या करना है, कटआउट मारना है, जहाँ पे मैं कटआउट मार रहा हूँ वहीं पर कटआउट मार के आगे वाला पार्ट जो भी है डिलीट कर देना है। और इतना काम हो जाने के बाद क्या करना, थोड़ा सा पीछे आना और पीछे आने के बाद जो हमारा यहाँ पर इताची को और जो रनिंग वाला क्लिप है ना उस पर क्लिक करना, नीचे स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी स्पीड को ना हम कम कर देंगे 0.6 सेकंड और फिर राइट कर देंगे, ठीक है। और क्लिप बड़ी हो चुकी है तो जो एनिमी का PNG है ना वो यहीं पर रह गया, तो क्या करेंगे स्लाइड करके आगे की ओर ले आएंगे, जहां पर हमने इस PNG को पहले रखा था ना वहीं पर अच्छे तरीके से रख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और फिर क्या करना है, जो हमारे जो ट्रेनर वाले क्लिप है ना
इसकी भी लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे अभी। और फिर ट्रेंड ऑन वाले क्लिप पर आना, जहाँ पर हमारा इताची रनिंग वाला क्लिप एंड कर रहा है ना, तो वहीं पर क्या करना है आपको, कटआउट मारना है और आगे वाला पार्ट जो भी है डिलीट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर PNG ऐड करने वाले हैं एनिमी का। तो करेंगे इसको थोड़ा सा और लेंथ को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा करेंगे, और फिर ऊपर वाला पार्ट है ना जो खाली, उसको बीच में कटआउट मार के आगे वाला पार्ट डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें ये ज्यादा पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो PNG है हमारा ना, अच्छा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ तक ये दाना मुक्का ना मारे ना वहाँ तक। और पीछे से मैं थोड़ा सा और इसे इंक्रीज कर लेता हूँ, जिस तरीके से मैंने किया ना उसी तरीके से आपको भी करना है। और आप क्या करेंगे, हम इस एनिमी करेक्टर को अच्छे तरीके से अभी हमें एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो एनिमी करेक्टर है ना उसे हम ना उसमें की फ्रेमिंग लगाएंगे, तो एक शुरुआत लास्ट में की फ्रेमिंग लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा दूर एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि लास्ट पार्ट है, तो हम इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सामने उसके एडजस्ट करेंगे इताची के। और फिर करना शुरुआत में आएंगे, एक और की फ्रेमिंग लाएंगे, और इस बार हम इसे थोड़ा सा दूर करेंगे, छोटा करके थोड़ा दूर एडजस्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा ना, इताची दौड़ते हुए एनिमी के पास आएगा ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। फिर इतना काम होने के बाद इसके बीच में भी थोड़ा सा और की फ्रेमिंग लगा लेना, अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा पास ले आना और की फ्रेमिंग लगा थोड़ा सा बड़ा कर लेना अपने एनिमी कैरेक्टर को। और ये सब एडजस्ट कर लेने के बाद क्या करना है आपको, जहाँ से इताची का रनिंग वाला क्लिप एंड हो रहा हो ना, वहीं पर आपको क्या करना है, एड वाले पे क्लिक करके क्रो वाला ग्रीन स्किन को एड कर लेना है। और फिर अगर नीचे साइड में स्क्रॉल कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रोमा की से ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इजिली रिमूव कर देंगे इसका ग्रीन स्क्रीन। और फिर करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और इसके स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 2.0x सेकंड रख देंगे और राइट कर देंगे, ठीक है। फिर इसे हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि जो हमारा इताची है ना वो एकदम क्रो बन के उड़ चुका है, ठीक है। जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी एडजस्ट कर लेना पूरा अच्छे तरीके से। और फिर एडजस्ट करने के बाद जैसे क्रो बन के उड़ जाता है ना था, तो क्या करना है आपको, कटआउट मारना है, थोड़ा आगे जाना है, कटआउट मारना, और कटआउट मार के आगे वाला क्रो वाला जितना ही पार्ट है वो सारा डिलीट कर देना, क्योंकि हमें इतना ही पार्ट चाहिए। और फिर अगर ना यहीं से ऐड वाले पे क्लिक करके दूसरा वाला यहाँ पे क्रो वाला ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना, और फिर उसी तरीके से कटआउट वाले ऑप्शन पे जाकर ग्रीन स्क्रीन इसका रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद इसे हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जो कौवा बन के उड़ गए थे ना वो वापस से एक जगह पर आके दोबारा से इताची बन जाएगा। तो इसकी स्पीड को सबसे पहले हम इंक्रीज कर देंगे, 2x सेकंड इसका भी रखेंगे, और फिर इसे थोड़ा सा आगे की ओर स्लाइड करके ले आएंगे। और क्या करेंगे, इसके ज्यादा पार्ट नहीं रखेंगे शुरुआत से, क्या करेंगे कि बीच में कटआउट मारेंगे और आगे वाला पार्ट है ना जो भी, आगे वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे जिस तरीके से मैंने डिलीट किया, वो स्लाइड करके इस आई को ले आएंगे। और फिर इसके लेयर्स में आएंगे, लेयर्स में लेयर वन सिलेक्ट करके राइट कर देंगे। और फिर स्क्रीन स्क्रीन के लास्ट में आना है, और क्या करना है, अपने एनिमी के पीछे क्रो को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना जिस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। और फिर क्या करेंगे, वो ऊपर वाला पार्ट है ना उसकी लेंथ को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, लेंथ को इंक्रीज क्यों किया, एडो वाले पे क्लिक करना है और एक इताची वाला क्लिप और लगाना है हमें इसमें, तो इसको ऐड कर लेंगे, इसका ग्रीन स्क्रीन फिर रिमूव कर देंगे। और फिर रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइड करके इसे आई को ले आएंगे। और फिर क्या करेंगे, इसकी स्पीड पे क्लिक करके यहाँ पे 2x सेकंड इसका भी इंक्रीज कर देंगे। और फिर अगर ना थोड़ा सा आगे आएंगे, जैसे ही करेक्टर इताची जो हमारा हाथ रखता है ना ऊपर से, जैसे हाथ उठा लेता है वहीं पर आपको कटआउट मारना है और पीछे का पार्ट जो भी है डिलीट कर देना है। और फिर स्लाइड करके आई को ले आना है, जहां तक कटआउट लग रखा है ना आपको इस पार्ट को वहीं तक रखना है, इसके आगे एक भी पार्ट नहीं आना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, इतना काम हो जाए इसके लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स वन सिलेक्ट करेंगे जिससे कि एनिमी के पीछे आ जाए इताची। और फिर छोटा करके अच्छे तरीके से इसके एडजस्ट कर देंगे एनिमी के पीछे। और फिर लास्ट में आएंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक इताची का जो भी वीडियो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। और फिर पीछे फर्स्ट क्रो वाले इफेक्ट पे आना है, और क्या करना है, शुरुआत में की फ्रेमिंग लगाना है, की फ्रेमिंग लगाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके मास्क वाले ऑप्शन में आना है, थर्ड वाला सिलेक्ट करके आपको गोले के किनारे दो दो एरो दिख रहे हैं, उससे करेंगे छोटा कर देंगे जिस तरीके से मैं छोटा कर रहा हूँ ना उसी तरीके से। और फिर करना है ग्रीन स्क्रीन के लास्ट में आके एक और की फ्रेमिंग लगाना है, और फिर करना है इस दोनों एरो दे रखा है ना उससे वापिस से बड़ा कर लेना जिस तरीके से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको पूरी वीडियो में फैला लेना है। और फिर करना है उसके बाद राइट कर देना है, इससे एकदम तगड़े तरीके से अच्छे से इफेक्ट बन जाएगा क्रो वाला हमारा। और फिर करेंगे जो दूसरा ग्रीन स्क्रीन है ना क्रो वाला, उसमें भी यही काम करना है, बस करना है फर्स्ट की फ्रेमिंग पर जाना है और फिर से दोबारा नीचे मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थर्ड वाला सिलेक्ट करना है, और शुरुआती में इसे पूरी वीडियो में फैला देना है। और फिर अगर ना इसके लास्ट में जाना है और दूसरा की फ्रेमिंग लगाकर दोबारा से इसके एरो है ना जो एरो को पूरा कम करके छोटा कर देना, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने छोटा किया। बस इतना काम करने के बाद इसको हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट कर लेना, और फिर कैपकट में न्यू प्रोजेक्ट बना के इस क्लिप को दोबारा से ऐड कर लेना इस वीडियो को। फिर क्या करना है आपको, इसके एडजस्टमेंट में आना है, जो भी हम गेम प्ले में एडजस्ट करते हैं ना हर बार जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वही आपको यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना है। और जहाँ जहाँ सीन चेंज हो रहा हो ना वहाँ पर आप कटआउट मारना है, तो एक ही जगह सीन चेंज हो रहा है तो मैं एक जगह कटआउट मारूंगा,
और कटआउट मारने के बाद अगर और आपको कहीं पर भी कटआउट माना है, वीडियो को शुरुआत में आना है और फिर अगर एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रॉस सीक वाला एनिमेशन लगा लेना है और लगाने के बाद करना है राइट कर देना और जहाँ पर हमने दूसरा कटआउट पहला कटआउट मारा था ना उसके एनिमेशन में आना, दोबारा से क्रॉस सीक वाला लगा के राइट कर देना है और फिर वीडियो के शुरुआत में आएंगे और इफेक्ट वाले नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ढूंढ लेना प्ले पांडुलम, नहीं मिलेगा तो सर्च कर देना प्ले, बस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और प्ले पर पांडुलम वाला इफेक्ट मिल जाएगा, फिर ऊपर कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना, फिर इसके एडजस्टमेंट में आना और एडजस्टमेंट में आने के बाद इंटेंसिटी को 17 रखना और फिर सेकंड वाले को पूरा 0 कर देना और स्पीड को आपको रखना है 13 करके राइट कर देना है और इतना करने के बाद इसको कहां तक रखना है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, जहां तक मैं रख रहा हूं वहां तक आपको रखना है रनिंग पार्ट से थोड़ा सा पीछे तक बस। और फिर क्या करना है, जहां से इताची का रनिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना वहीं पर आना आपको, दोबारा से वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके आराम से यहाँ पे सेक वाला इफेक्ट ढूंढ लेना और सेक वाला इफेक्ट ढूंढने के बाद क्या करना है इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है, इसका एडजस्टमेंट में आना है, स्पीड को रखना करीबन 28 रखना है और इंटेंसिटी को कम कर देना 12 और फिर राइट कर देना और जहां तक ये रनिंग कर रहा है ना आपको इस पार्ट को वहीं तक रखना है और इतना करने के बाद जितने भी क्लिप है ना उनका वॉल्यूम सबका 0 जरूर से कर देना और फिर इसका मेन म्यूजिक ऐड कर लेना और जो भी मैंने गेम में म्यूजिक ऐड किया, जो भी मटेरियल ऐड किया उसे कैसे डाउनलोड करना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएगा तो ज्वाइन कर लेना और फिर आपको सामने ही आपको इताची के बहुत सारे यहां पर मटेरियल मिल जाएंगे, ना मिले तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके सर्च कर लेना आपको इताची सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आराम से इस वीडियो को अच्छे तरीके से ऐड करो, जो भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे जाकर पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।